दिन मेरी तरफ से सबको सलाम। आप देख रहे हैं किचन विद सीमा रमजान। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बैंगन का भरता, जिसके लिए मैंने ये 3 आधा किलो बैंगन ले लिए हैं। तो इसको अब हम चूल्हे पे जलाएंगे, इन तीनों को ऐसे। अब ये जब अच्छे से ब्लैक हो जाएंगे, इनका खुद ही वो अच्छे से ये पक जाएंगे अंदर से, फिर हम आगे मैं आपको बताती कि क्या करना है। प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखो नाज़रीन, अच्छे से ये जल चुके हैं। अब मैं इसे उतारने लगी, हमने उतार के इसे पानी में रख देना है। ये देखिए एक बॉल मैंने ले ली, उसके अंदर हम उसे रख देंगे। अब हमने इसका इसके छिलके उतार लेने हैं। ये देखिए पानी के अंदर ही हम इसको उतार लेंगे ऐसे। अब ये बहुत गर्म है। इतने अच्छे से आराम से छिलका उतर रहा, क्योंकि ये देखें ये देखें, एक को मैंने अच्छे से उतार दिया इसका छिलका। ये देखें नाज़रीन, मैंने सारे का छिलका उतार लिया, तीनों का तीनों। अब हम इसे ऐसे अलग कर लेंगे अच्छे से, और नाइफ के साथ ही हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा बारीक हो जाए। अच्छे से हमने इसको अलग कर देना है। आराम से हो रहा है, इसको हमने नाइफ की मदद से ही हमने इसको अच्छे से ये ब्रीक कर लेना, नाइफ की मदद से ही। बस अब ये हो गया रेडी। अब यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए हैं, 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, 3 से 4 हरी मिर्ची लिए और 1 लेमन ले लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी प्याज़ों को। ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने प्याज़ों को लाइट ब्राउन करना है, लाइट सा जब इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर हमें इसके अंदर टमाटर डालने हैं। अच्छे से हमें लाइट ब्राउन करना है प्याजों को। ये देखिए नाज़रीन, थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया इस पे। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे फ्राई करेंगे थोड़ा सा 2 मिनट तक। ऑयल आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं, जितना आप चाहते हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये बहुत ही मजे की रेसिपी बनती है, आप अपने घर में बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब हमने 5 मिनट तक टमाटरों को पकाना है इसके अंदर।
ये देखिए नाजरीन टमाटर हो गए हैं सॉफ्ट। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची मैंने जो कि 3 से 4 ले ली थी, जितनी तेज नहीं आजकल आ रही इसलिए आप ले सकते हैं इससे ज़्यादा भी, इससे कलर और का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा हरी मिर्च से। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। मसाले में हमने 1.5 खाने का चम्मच नमक दे देंगे। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आधा खाना का चम्मच हम हल्दी ले लेंगे। डेढ़ खाने का चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर ले लेंगे। ये भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर। आधा ही चम्मच गरम मसाला पाउडर। और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें। देखिए कितना मज़े का कलर आ रहा है इसके अंदर। हमने मसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट भूनना है अच्छे से, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। के अंदर 2 खाने के चम्मच दही डालेंगे। 1 खाने का चम्मच और 2 खाने के चम्मच हमने दही डाल दिया। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट बाद हम चूल्हा तेज कर देंगे। हम इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे। ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना बैंगन का, जो हमने बैंगन का निकाल लिया था भुड़का। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत मज़े का बनता है, आप अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ये बस 5 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और गर्मियों में तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं और बहुत मज़े का लगता है ये। घर में आप अपने बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भरता। अब हम इसे कवर कर देंगे। ये 5 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसे। ये देखो नाज़रीन, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया कलर इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर लेमन निचोड़ेंगे। 1 मैंने लेमन दिया। अच्छे से इसको हमने 2 मिनट के लिए मिक्स करना। अच्छे से इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें नाजरीन,
बहुत ही अच्छा और मज़े का इसका कलर आया है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट के लिए मैंने मिट्टी की छोटी सी हांडी बहुत ही प्यारी सी ले ली है, इसके अंदर अब हम डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कितने ही मज़े का लग रहा है ये, और आप भी इसी तरह अपने घर में बना के ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी और झटपट सा बन जाते हैं, अब बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। खुदा हाफिज़।